गुड मॉर्निंग, मायसेल्फ धर्मेंद्र कुमार जैन, मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय 12 में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी इंडस्ट्री में मटेरियल मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। उस ब्रीफ डिस्कशन के बाद आज हम इस टॉपिक पर यहाँ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मटेरियल मैनेजमेंट तीन प्रकार के मैनेजमेंट से मिलकर के बना होता है, जिसे हम कहते हैं स्टोर मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट और सेल्स मैनेजमेंट। ये तीनों प्रकार के मैनेजमेंट मिलकर के और मटेरियल मैनेजमेंट कहलाते हैं। और किसी भी इंडस्ट्री में मटेरियल मैनेजमेंट का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि यदि इंडस्ट्री का मटेरियल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो ऐसी अवस्था में उस इंडस्ट्री को होने वाले प्रॉफिट पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, एडवर्स इम्पैक्ट उसका आता है। तो ऐसी अवस्था में किसी भी इंडस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में इस टॉपिक को समझाना आवश्यक होता है। स्टोर मैनेजमेंट में यदि हम मटेरियल मैनेजमेंट की बात करें तो इससे सिंपल रूप में कहा जाता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न्ड विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फ्लो ऑफ मटेरियल टू, थ्रू एंड आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन इंटीग्रेटेड फैशन। इसे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में जो मटेरियल मैनेजमेंट है वहाँ उसका तात्पर्य है मटेरियल की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग इस प्रकार से की जाए ताकि कंप्लीट सिस्टम में मटेरियल का फ्लो स्मूथ रहे और मटेरियल हैंडलिंग में लगने वाली जो कॉस्ट है वो भी कम से कम रहे। यदि हम मटेरियल्स को डिफाइन करें तो मटेरियल्स के लिए ऐसा डिफाइन किया जाना है कि एनी कमोडिटी यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस कंसिडर्ड एज द लाइफ ब्लड एंड हार्ट ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। जिसका किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, किसी भी उत्पादन उद्योग में मटेरियल्स किसी भी उस कमोडिटी को कहा जाता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उत्पादन के रूप लिए काम में आती है या प्रोडक्ट और सर्विसेज के रूप में काम में ली जाती है। यदि हम मटेरियल को क्लासीफाई करें तो मटेरियल के क्लासिफिकेशन में हम इनको चार कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी कहलाती है परचेज मटेरियल, जिसके अंतर्गत वो रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स या स्पेयर पार्ट्स आते हैं जिनका उपयोग इंडस्ट्री में किया जाता है लेकिन इससे एंड प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता है। दूसरी प्रकार की मटेरियल वर्क इन प्रोसेस मटेरियल कहलाते हैं। इन मटेरियल को सेमी फिनिश्ड मटेरियल भी कहा जाता है, जिनका इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण रोल होता है। तीसरे प्रकार के मटेरियल को कहा जाता है फिनिश गुड्स, ये वो फाइनल प्रोडक्ट होता है जो मार्केट में फाइनल डिलीवरी के लिए तैयार होता है। और फोर्थ पार्ट में इसे सप्लाईज कहते हैं, जिसके माध्यम से जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं उन्हें इस कैटेगरी में बांटा जाता है। मटेरियल मैनेजमेंट में जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं उन्हें हम छः कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में किस किस मटेरियल की आवश्यकता है, कब आवश्यकता है, कैसी आवश्यकता है, इन WH प्रश्न जिसे हम कहते हैं उनका आंसर जानने के लिए ज़रूरी है कि हम मटेरियल रिक्वायरमेंट की प्रॉपर प्लानिंग करें। एक सिंपल डायग्राम से यहाँ पर दिखाया गया है इन्वेंट्री डेटा और रॉ मटेरियल्स के बारे में। दूसरा कैटेगरी जिसे हम कहते हैं परचेजिंग, तीसरा पार्ट इसका है इन्वेंट्री कंट्रोल, चौथा पार्ट एक्सपेडिटिंग कहलाता है, पांचवा पार्ट ट्रांसपोर्टेशन है और छठा पार्ट मटेरियल हैंडलिंग है। इन पर यदि हम डिटेल में डिस्कशन करें तो सबसे पहली बात हम करते हैं मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग की, जिसके अंतर्गत सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि किस प्रकार के मटेरियल की कितनी क्वांटिटी आवश्यक है और उसकी शेड्यूलिंग की जाती है। शेड्यूलिंग का मतलब उस मटेरियल की, इक्विपमेंट की या पदार्थ की कब हमें आवश्यकता है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में जो इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल है इसके ऊपर लगभग 60% टोटल इन्वेस्टमेंट का खर्चा होता है, या हम कहें कि किसी भी इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका 60% पार्ट मटेरियल्स पर खर्च होता है। इसलिए प्रॉपर मटेरियल रिक्वायरमेंट की प्लानिंग जरूरी होती है। ये मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग का एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इसमें सबसे टॉप पर मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल दिखाया गया है, उसके साइड में आउटपुट दिखाया गया है जिसके दो पार्ट होते हैं, फोरकास्ट डिमांड और कस्टमर ऑर्डर्स। तो यहाँ से इनपुट मिलता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल को, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल से इनपुट मिलता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग्स को जहाँ जहाँ से भी
इंफॉर्मेशन मिलती है। जिससे हम बात करें बिल ऑफ मटेरियल की, जिससे तीन पार्ट होते हैं, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, प्रोक्योरमेंट सोर्स और लीड टाइम। यदि हम इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल्स की बात करें तो करंट इन्वेंट्री लेवल और रिसिप्ट विड्रॉल, इन सब से इन्फॉर्मेशन मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के पास पहुंचती है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग पे जब ये सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं तो उसके बाद परचेजिंग का काम शुरू होता है। परचेजिंग के साथ ही प्रोडक्शन और शेड्यूलिंग जो है उस तक भी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग से इन्फॉर्मेशन जाती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री का जो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है वो उस इंडस्ट्री के स्मूथ रनिंग में या इंडस्ट्री के प्रॉफिट मेकिंग सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा पार्ट हम परचेजिंग की बात करें तो ये भी किसी भी इंडस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और यहाँ पर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि वेन टू परचेज, वाई टू परचेज, हाउ टू परचेज, फ्रॉम हुम टू परचेज, ये वो क्वेश्चन है जिनका जवाब हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि जो परचेजिंग है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसके जो मेन फंक्शंस हैं उसमें सबसे पहला फंक्शन है टू सेलेक्ट प्रॉपर सप्लाईज फॉर द मटेरियल रिक्विजिट बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। इसका मतलब है कि किसी भी ऑर्डर को प्लेस करने से पहले हमें उसकी प्रॉपर सप्लायर के बारे में जानकारी होना चाहिए। सही सप्लायर से सामान का खरीदा जाना इसलिए आवश्यक है कि हमें वो सामान सही दर पर मिल जाएगा और साथ ही इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। टू नेगोशिएट अबाउट द प्राइस ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द सप्लायर्स। जब एक बार हम सप्लायर का सिलेक्शन कर लेते हैं तो उसके पश्चात हमें उससे नेगोशिएशन करना होता है ताकि सही दर में हम उस रॉ मटेरियल को खरीद सकें। और टू अश्योर द क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड शुड नॉट बी कम्प्रोमाइज विद द कॉस्ट। इसका बड़ा महत्वपूर्ण तात्पर्य यह है कि परचेजिंग के दौरान हमें रॉ मटेरियल की जो क्वालिटी है उसे कॉस्ट के साथ कभी भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कॉस्ट भी कम होना चाहिए लेकिन उसके साथ ही रॉ मटेरियल की क्वालिटी भी अच्छी होना चाहिए ताकि उससे अच्छे फिनिश प्रोडक्ट का निर्माण किया जा सके। द मटेरियल शुड बी परचेज इन राइट क्वान्टिटी एंड क्वालिटी एट प्रॉपर टाइम एंड एट चीपेस्ट कॉस्ट एज पॉसिबल। ये किसी भी इंडस्ट्री की परचेजिंग सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें जो मटेरियल है उसे राइट क्वान्टिटी में सही क्वालिटी का और सही समय पर खरीदा जाना चाहिए ताकि कम से कम दर पर रॉ मटेरियल खरीदा जा सके और इसका एडवांटेज प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट होगी इसमें मिलेगा। कस्टमर को मिलने वाले प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कम होगी और साथ ही कंपनी को होने वाले प्रॉफिट की मात्रा भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा हमें एक प्रॉपर परचेज पॉलिसी बनाई जानी चाहिए ताकि हम सही समय पर सही सामग्री को खरीद सकें। परचेजिंग किसी भी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए होता है क्योंकि जो सेल्स टर्नओवर होता है उसका लगभग 50-60% जो अमाउंट होता है वो केवल मटेरियल्स के ऊपर होता है। और यदि हम इस पर 1% सेविंग प्राप्त कर सकें, मटेरियल की परचेज में यदि 1% हम सेविंग करते हैं तो ये हमारे प्रॉफिट मार्जिन को 5% तक बढ़ा सकती है। इससे हम समझ सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में परचेजिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तीसरा बिंदु इसके लिए आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। और जो इन्वेंट्री है किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है जिसके अंतर्गत हम डिफरेंट मेथड्स की बात करते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री का जो गुड्स का जो स्टॉक है उसे किस प्रकार से प्रॉपर रूप में मेंटेन किया जाना चाहिए। स्टॉक ऑफ गुड्स की मॉनिटरिंग जितनी अच्छी होगी इंडस्ट्री में उतनी ही हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल भी अच्छा रहेगा। इन्वेंट्री को यदि हम डिफाइन करें तो इट इज जस्ट ए फिजिकल सोर्स दैट अ फर्म होल्ड्स इन स्टॉक विद इन द इंटेंट ऑफ सेलिंग इट और ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू ए मोर वैल्यूएबल स्टेट्स। तो यहाँ पर इन्वेंट्री से दो चीज़ों का तात्पर्य है, एक तो किसी भी मटेरियल को वैल्यूएबल स्टेट में ट्रांसफर करना और दूसरा उस स्टॉक को बना करके रखना। इन्वेंट्री के हम फंक्शंस की अगर बात करें तो पहला फंक्शन है टू मीट एंटिसिपेटेड डिमांड टू स्मूथ प्रोडक्शन। इसका मतलब यह है कि हमारा प्रोडक्शन सिस्टम या प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट को स्मूथ चलाने के लिए, उत्पादन की गतिविधियों को स्मूथ रूप से चलाने के लिए जो एंटिसिपेटेड डिमांड है उसे हम मीट कर पाएं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टॉक आउट। किसी भी इंडस्ट्री में यदि रॉ मटेरियल का स्टॉक समाप्त हो जाता है तो उससे प्रोडक्शन बंद हो जाता है जिससे मेन मशीन एंड मटेरियल तीनों का नुकसान होता है। तो ऐसी अवस्था में हम ये चाहेंगे कि प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए स्टॉक आउट नहीं हो। टू परमिट ऑपरेशंस, साथ ही इंडस्ट्री के ऑपरेशंस को स्मूथ बनाए रखने के लिए भी जो इन्वेंट्री आवश्यक होती है। इस इन्वेंट्री की क्या इंपॉर्टेंस है उसे हम इस स्लाइड के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल्स कैन हेल्प द बिजनेस बी मोर प्रॉफिटेबल बाई आइडेंटिफाइंग द टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री इन द वेयरहाउस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पर हम इन्वेंट्री को प्रॉफिटेबिलिटी से जोड़ते हैं और किसी भी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी जितनी बढ़ती है उस इंडस्ट्री की हेल्थ उतनी ही अच्छी होती है। दूसरा पार्ट की हम बात करें तो लिक्विडेटिंग दोज अनवांटेड इन्वेंट्री एंड अंडरस्टैंडिंग द कैरिंग कॉस्ट सच एज स्टोरेज, इंश्योरेंस, टैक्स, एटीसी टू मिनिमाइज द कॉस्ट इनकर्ड।
यहां पर इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी भी रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहें तो ऐसी अवस्था में हमें जो अनवांटेड इन्वेंट्री है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है ऐसे सामग्री को खरीदने पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए या उसे नहीं खरीदा जाना चाहिए। चौथा पार्ट जो है इसका एक्सपेंडिटिंग इसको कहा जाता है और ये कंसेप्ट परचेजिंग से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है जिसमें क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी को सिक्योर करने के लिए या हम ये कह सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल है उसकी टाइमली डिलीवरी हो जाए और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो इसके लिए जो कंसेप्ट काम में आता है उसको एक्सपेडिटिंग कहा जाता है। बिकॉज द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट और एक्सटर्नल एक्सपेडिटर कंट्रोल्स द प्रोग्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एट द सप्लायर कंसर्निंग क्वालिटी पैकिंग विच मस्ट बी कन्फर्म विद द स्टैंडर्ड एंड सेट टाइम लाइन्स। नेक्स्ट पार्ट की बात अगर बात करें तो इसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। किसी भी रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसे हम कह सकते हैं कि इट इज द मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। किसी भी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को पहुंचाने के लिए किस प्रकार के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जाता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यदि रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में डिले होता है तो उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्शन पर आता है और साथ ही इंडस्ट्री को होने वाले प्रॉफिट पर भी आता है। और इसका जो लास्ट पार्ट है जिसे मटेरियल हैंडलिंग कहते हैं ये भी इंडस्ट्री के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। इंडस्ट्री के अंदर किस प्रकार से मटेरियल को हैंडल किया जाए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट किस प्रकार से मटेरियल को पहुंचाया जाए ताकि जो टोटल मूवमेंट की कॉस्ट हो वो लोएस्ट कॉस्ट हो। अल्टीमेटली जो मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट है वो भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को अफेक्ट करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री का जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है वो बहुत ही स्मूथ होना चाहिए और इस प्रकार का होना चाहिए ताकि मूवमेंट कम से कम हो और मूवमेंट लगने वाली लागत भी कम से कम हो। जो मटेरियल हैंडलिंग है यदि हमारी प्रॉपर है तो ये डिले और डैमेज को रिड्यूस करती है, इसके साथ ही ये वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करती है और सुरक्षा भी प्रदान करती है, हमारी जो उत्पादकता है उसको बढ़ाती है, इन्वेंट्री कंट्रोल को प्रभावी बनाती है और इस तरह से प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट को रिड्यूस करती है। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री की जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट होती है वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 20-25% के आसपास होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन पॉइंट्स को यदि हम कवर कर लें या किसी भी इंडस्ट्री के जो इन्वेंट्री सिस्टम इसको हम प्रॉपर वे में मेंटेन कर लें तो ऐसी अवस्था में उस इंडस्ट्री को होने वाले प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है और रॉ मटेरियल के वेस्टेज को भी कम किया जा सकता है। इस स्लाइड के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम को क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है। बिकॉज जितनी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर लेबर प्रोडक्टिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और यदि हमारा मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर है तो वहाँ पर हम लगभग 6% के आसपास लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमें 4-6% की एडिशनल सेविंग होती है। तो इंडस्ट्री का जो प्रॉपर मटेरियल मैनेजमेंट है वो मटेरियल की ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करता है, हैंडलिंग सिस्टम को अच्छा बनाता है, डुप्लीकेट ऑर्डर्स को कम करता है। इसके साथ ही किसी भी इंडस्ट्री में जब भी मटेरियल की आवश्यकता हो उस समय वहाँ पर मटेरियल उपलब्ध होता है। प्रोजेक्ट के शेड्यूल को इम्प्रूव करने में भी मटेरियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल करने में भी मटेरियल मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अलावा सप्लायर से बेटर रिलेशनशिप बनाने में मटेरियल मैनेजमेंट प्रॉपर रोल प्ले करता है कि हम यदि टाइमली मटेरियल की रिक्वायरमेंट प्राप्त कर लेंगे, उसकी प्लानिंग कर लेंगे और उसको टाइमली अगर हम परचेज कर लेंगे तो ऐसी अवस्था में हमारा सिस्टम अच्छा बना रहेगा, मटेरियल का सरप्लस कम हो जाएगा और साथ ही जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है उसको भी हम बेटर रूप में कवर कर पाएंगे। अब हम यदि इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करें तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल किसी भी इंडस्ट्री में एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जब इंडस्ट्री की जितनी भी इन्वेंट्री है उसे यदि अपन प्रॉपर रूप में कंट्रोल कर लें तो उस इंडस्ट्री में होने वाले लॉसेस को या अनड्यू जो एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें हम इन्वेंट्री कंट्रोल के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। जो इन्वेंट्री कंट्रोल है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये परचेज स्टोर और मटेरियल का जो उपयोग किया जाता है उसका एक सिस्टमेटिक कंट्रोल होता है और उनके ऊपर एक प्रकार का नियंत्रण भी होता है। इसके साथ ही इन्वेंट्री कंट्रोल के माध्यम से हम प्रोडक्शन के फ्लो को स्मूथ बना करके रख सकते हैं। किसी भी मटेरियल पर होने वाला जो अतिरिक्त खर्चा है, एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट या जिसे हम अंडर इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसे हम कम कर सकते हैं। ये इफिशियंट मटेरियल कंट्रोल जो है ये सिस्टम में होने वाले वेस्टेज को कम करता है और सिस्टम में होने वाला जो वेस्टेज है अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट को प्रभावित करता है। इन्वेंट्री कंट्रोल जो है ये मटेरियल मैनेजमेंट का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसलिए किसी भी इंडस्ट्री में इस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्वेंट्री कंट्रोल के माध्यम से हम किसी मटेरियल की जो इम्पोर्टेंस है उसके बिहा पर उसको परचेज कर सकते हैं
और मैन और मशीनरी का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, मैन और मशीनरी की जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उन्हें भी हम प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल की यदि हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल एक प्रकार का साइंटिफिक कंट्रोल है। जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी इंडस्ट्री में यदि हम साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो स्मूथ होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है और इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसका एडवांटेज एम्प्लॉइज और इंडस्ट्री दोनों को होता है। तो इंडस्ट्री में साइंटिफिक कंट्रोल मेंटेन करने के लिए, या हम यूँ कहें कि मटेरियल मैनेजमेंट पर साइंटिफिक कंट्रोल रखने के लिए जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल्स पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स फॉर इफिशियंट एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। दो इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर हमने काम में लिए हैं, इफिशियंट एंड अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन और फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन। ये बहुत जरूरी है कि यदि हमारा इन्वेंट्री सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है, रिक्वायरमेंट जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर है, उसका फ्लो प्रॉपर हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में इंडस्ट्री का प्रोडक्शन स्मूथ चलता है। दूसरा पार्ट है टू मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज कीपिंग इन व्यू ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स। इसका सीधा तात्पर्य ये है कि हम ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए यदि इन्वेंट्री पर होने वाले इन्वेस्टमेंट को मिनिमाइज कर देते हैं तो इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट मटेरियल की क्वालिटी के साथ ही उसके कैश फ्लो पर भी आता है, और हम यूँ कह सकते हैं कि उसकी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट पर भी इसका इम्पैक्ट आता है। टू प्रोवाइड फॉर इफिशियंट स्टोर ऑफ मटेरियल्स सो दैट इन्वेंट्रीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट। प्रॉपर वे में यदि हमारे पास स्टोरिंग सिस्टम है तो ऐसी अवस्था में हम जो इन्वेंट्री है उसे लॉसेस से या फायर से और थेफ्ट से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ये किसी भी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अलावा जो सरप्लस या ऑब्सोलेट आइटम्स हैं उनको भी हम प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल के माध्यम से मिनिमाइज कर सकते हैं। ये इन्वेंट्री कंट्रोल के डिफरेंट मेथड्स हैं, इनके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।